जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास माँ की यात्रा के एक नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी को प्रभु श्री राम वनवास माँ के प्रमुख तीर्थ स्थानों के दर्शन करा रहा हूँ और आज मैं पहुँचा हूँ महाराष्ट्र के नागपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामटेक पर। ऐसी मान्यता है प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय यहाँ पर महर्षि अगस्त्य ऋषि से मिलने आए थे और यहाँ पर सिंदूरागिरी पर्वत पर उन्होंने एक रात बिताई थी। यहाँ रामटेक और रामटेक के आसपास प्रभु श्री राम से जुड़े हुए अनेक तीर्थ हैं और उनके यहाँ पर बिताए हुए दिन के निशान हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक ऐसी मान्यता है, मराठा शासक रघुराज भोसले जी ने यहाँ पर प्रभु श्री राम से मन्नत मांगी थी, अगर वो छिंदवाड़ा की लड़ाई जीत कर आएंगे तो यहाँ पर एक भव्य किला बनाएंगे। तो यहाँ का जो आज प्रमुख मंदिर है वो एक भव्य किले में है और उसके साथ साथ रामटेक एक प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर देखने लायक और घूमने लायक बहुत सारे स्थान है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रामटेक की यात्रा करेंगे और मैं आपको रामटेक के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थान मंदिर वो सारे दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर रामटेक पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो रामटेक आने के लिए आपको सबसे पहले महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आना होगा। नागपुर शहर जो है ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही डेवलप शहर है, मुंबई के बाद कह सकते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है वो नागपुर शहर है। तो नागपुर आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय रोड आप आसानी से पहुँच सकते हैं। नागपुर में एयरपोर्ट भी है, वहाँ पर मेजर रेलवे जंक्शन भी है और बाय रोड भी आप इंडिया के किसी भी स्टेट से नागपुर आसानी से पहुँच सकते हैं। नागपुर हाईवे रोड से भी वेल कनेक्टेड है। अभी इस वक्त मैं रामटेक के बस स्टैंड पे हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये रामटेक का बस स्टैंड है। नागपुर शहर से रामटेक की दूरी 50 किलोमीटर है। हर आधे घंटे में नागपुर से रामटेक के लिए बसेज आती हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो एसटी बसेज हैं, जो नॉन एसी हैं वो 70 रुपया लेते हैं और जो एयर कंडीशन बसेज हैं यहाँ के लिए एयर कंडीशन बसेज भी चलती है तो वो एयर कंडीशन बसेज 105 रुपया लेते हैं। और नागपुर शहर से एक घंटे में आपको रामटेक के इसी बस स्टैंड पर लेकर आएंगे। ये रामटेक का बस स्टैंड है, आप ये देख सकते हैं सारी बसेस यहाँ तक आती है और यहाँ से जो मंदिर वो लगभग 6 या 7 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ और पहले आपको बताता हूँ कि आप यहाँ रामटेक में कहाँ पर रुक सकते हैं, कहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रामटेक आएंगे तो आप कहाँ स्टे कर सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मंदिर के तरफ से कोई भक्त निवास या धर्मशाला नहीं है। जब आप यहाँ रामटेक आएंगे तो आपको यहीं बाहर कहीं पर होटल, गेस्ट हाउस, लॉज या धर्मशाला ढूंढना होगा। तो यहाँ पर रामटेक में बहुत सारे होटल्स, धर्मशाला है। यहाँ पर रामटेक में एक अम्बाला लेक है, उस अम्बाला लेक के पास बहुत सारे होम स्टे मिलते हैं जहाँ पर आपको 300-400-500 रुपये में बहुत अच्छे अच्छे होम स्टेज मिलेंगे जहाँ पर आप रह सकते हैं और आपको रहने के साथ साथ में पर खाने की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके अलावा मैं यहाँ रामटेक में रुका हूँ, ये एक यहाँ पर बहुत फेमस होटल है, होटल पराग। जब आप यहाँ रामटेक में आएंगे तो बस स्टैंड के पास में भी आपको होटल और लॉज मिल जाएंगे। उसके अलावा आप यहाँ इस पराग होटल में भी रह सकते हैं। ये होटल के पीछे ही जो पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर ही रामटेक का जो मुख्य मंदिर और किला है और ये होटल के पास में से ही एक रास्ता जाता है जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है ऊपर जाने के लिए। तो आप यहाँ पर रहेंगे तो आप सीढ़ियों से आसानी से आप ऊपर जा सकते हैं या तो आप डायरेक्टली, अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप यहाँ से आसानी से ऊपर अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर रामटेक में आएंगे तो आप किसी से भी पूछ लेंगे पराग होटल कहाँ है तो कोई भी बता देगा। इस होटल में आपको 500 रुपये से कमरा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 500 रुपये से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 600, 1000, 2000 तक के कमरे जहाँ पे आपको एयर कंडीशन और पूरे फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा बड़ा रूम मिल जाएगा और 500-600 में आपको एकदम नॉर्मल बजट रूम यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी कमरे हैं इनके, सामने से देखने में ये छोटा है लेकिन अंदर ये काफ़ी बड़ा है। तो आप यहाँ पे रहेंगे तो आप रामटेक के मेन बाज़ार में रहेंगे, ये बिल्कुल बाज़ार के पास में ही है। और इसके बाद आपको रामटेक के सारे दर्शनीय प्लेसेस पे जाने के लिए, आपके पास गाड़ी है तो आप अपने गाड़ी से घूम सकते हैं, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर ऑटो रिक्शा लगेगा। वो ऑटो रिक्शा वाले 1000 रुपये तक आपसे लेंगे और आपको रामटेक के जितने भी प्लेसेस हैं, यहाँ पर 8-10 प्लेसेस हैं, वो सारे प्लेसेस आपको दिखा देंगे। तो ये है यहाँ रामटेक पर पहुँचने के और यहाँ पर रुकने के और यहाँ पर आप कैसे घूम सकते हैं इसकी जानकारी। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और आपको रामटेक के जितने भी प्रमुख स्थान है वो सारे स्थान दिखाता हूँ। तो
दोस्तों यहाँ रामटेक में आनंद धाम नाम का एक आश्रम है। बाबा जुमले देव जी का ये आश्रम है जिसे आनंद धाम कहा जाता है। उनका हर साल यहाँ पर रैली निकलती है। साल में दो दिन का कार्यक्रम होता है और वो दो दिन में यहाँ पर रैलियाँ निकलती है। तो आज रामटेक में वही रैली निकली हुई है आनंद धाम आश्रम की तरफ से, जहाँ पर रामटेक के और बाबा के जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, सारे आए हुए हैं। तो मैं आपको ये रैली दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ रामटेक का जो प्रमुख स्थान है, जो यहाँ का प्रमुख श्री राम मंदिर है, अभी हम श्री राम मंदिर पर आए हैं। ये जो मंदिर है बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे एक पहाड़ी के ऊपर एक किले के अंदर है। यहाँ रामटेक के प्रभु श्री राम मंदिर आने के लिए नीचे बस स्टैंड से 3 रास्ते हैं। एक जो रास्ता है वो 600 सीढ़ियों का है, आप 600 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ सकते हैं। और दूसरा जो रास्ता है वो 150 सीढ़ियों का है। और तीसरा जो रास्ता है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है या आप ऑटो रिक्शा से आ रहे हैं, तो आप सीधे यहाँ तक मंदिर तक आ सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ ऊपर गाड़ी से ही आया हूँ। यहाँ पर जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर 3 प्रमुख स्थान है। एक प्रभु श्री राम का जो प्राचीन मंदिर है जो एक किले के अंदर है वो, और यहाँ पर एक सिंदूर बावड़ी है, और तीसरा जो स्थान है वो महान कवि कालिदास को समर्पित है। ये तीनों स्थान मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो सबसे पहले जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे पार्किंग है, आप आपकी गाड़ियों को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ सीधे मंदिर को जाती है। और यहाँ पे देखिए, आप मंदिर के पास आएंगे, ये मंदिर का आगे गेट है, चलते हैं हम आगे। और एक रास्ता देखिए यहाँ से आ रहा है, ये जो रास्ता है ये सीढ़ियों का रास्ता है। यहाँ आने के लिए एक छोटी सीढ़ी का रास्ता है जहाँ पर 150 सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियों से आप ऐसे आएंगे और यहाँ से फिर आप बिल्कुल मंदिर के पास पहुँचेंगे। और जो 600 सीढ़ियों वाला रास्ता है वो आगे है मंदिर के पास, तो वो भी मैं मंदिर के पास चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अभी हम आ गए हैं यहाँ मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। और ये देखिए, ये मंदिर में प्रवेश करने का द्वार है, ये पहला द्वार है यहाँ पर, और यही यहाँ का मुख्य द्वार है। तो यहाँ से आप प्रवेश करके मंदिर के अंदर जाते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ, काफ़ी बंदर है यहाँ पे। देखिए जैसे आप यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक अवतार वारा अवतार के दर्शन होते हैं। ये आप देखेंगे, वारा भगवान की बहुत प्राचीन मूर्ति है और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि वारा भगवान की पूजा करने के बाद इनके नीचे से, यहाँ से जो वारा जी के नीचे से पार होकर जाना पड़ता है। तो अभी मैंने वारा जी के दर्शन कर लिए और अब मैं यहाँ पर वारा जी की मूर्ति से नीचे से होते हुए बाहर आता हूँ। दोस्तों इस तरीके से है यहाँ पर, जैसे आप रामटेक के मंदिर में आते हैं, रामगढ़ के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले आपको वारा जी के दर्शन होते हैं। और वारा जी के बाद दर्शन करने के बाद यहाँ पर आगे चक्रधर स्वामी जी का मंदिर है बिल्कुल सामने ही। आप चक्रधर स्वामी जी के दर्शन करते हुए फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मंदिर है ये चक्रधर स्वामी जी को समर्पित ये मंदिर है और भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। चक्रधर स्वामी जी जो थे वो भगवान कृष्ण के ही 5वें अवतार माने जाते हैं, वो भगवान कृष्ण जी का ही रूप है, तो उन्हीं को समर्पित ये मंदिर है यहाँ पर। और बहुत पुराना ये मंदिर है। जैसे आप मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण जी के दर्शन होंगे। ये भगवान कृष्ण जी की यहाँ पे बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और इससे आगे आप आएंगे तो यहाँ पर चक्रधर स्वामी जी के दर्शन होंगे। चक्रधर स्वामी जी थे वो यहाँ पर, उन्होंने 10 महीना वास किया था। त्रेता युग में रेवत राजा का यहाँ पे शासन था, उस समय का ये मंदिर है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दर्शन होंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं। चक्रधर स्वामी के दर्शन करके आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए किले का बुर्ज है और इसके सामने आपको मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा प्रवेश द्वार बनाया गया, तो इससे होके अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। और यहाँ जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक बहुत बड़ा बरामदा मिलेगा, बहुत बड़ा एक खुला जगह है। प्राचीन काल में ये जो स्थान है इसका नाम सिंदूरागिरी पर्वत था, इसे तपोगिरी पर्वत भी कहा जाता था। और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का बहुत प्राचीन मंदिर था। 18वीं शताब्दी में यहाँ नागपुर के जो मराठा सरदार थे, इस मंदिर को एक भव्य किले का रूप दिया। जो प्राचीन मंदिर है वो किले के अंदर है और ये किला जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य है। तो अभी इस किले के अंदर ये एक बरामदा है और मुख्य जो प्रवेश
प्रवेश द्वार है, इसके और आगे जो ये किला है, गढ़ किला मंदिर है, इस मंदिर का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर आप जाते तो सारे जो यहाँ रामटेक के जो प्राचीन मंदिर और जो प्रमुख मंदिर है वो इसके अंदर दिखेगा। और जैसे ही आप यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे तो आपको सामने प्रभु श्री राम जी का जो प्राचीन मंदिर है जो किले के अंदर, उसके दर्शन होंगे। उससे पहले यहाँ महर्षि अगस्त्य आश्रम है। प्रभु श्री राम यहाँ पर रामटेक पर महर्षि अगस्त्य से ही मिलने आए थे। यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है। नीचे एक मंदिर था और यहाँ पर भी भगवान कृष्ण जी को समर्पित मंदिर है। मैं आगे चलता हूँ और आपको अंदर से मंदिर दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए महर्षि अगस्त द्वारा जो अखंड धुनी जलाई गई थी, प्रज्वलित की गई थी, और एक दीप, वो धुनी और ज्योत यहाँ पे है। तो इसके लिए हमें अंदर जाना होता है, तो हम अंदर आते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये जो है ये ध्वनि प्रज्वलित है। बहुत धुआं और धूल होता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में ये ध्वनि को यहाँ पे जलाया जाता है। और वहाँ पे आप देखेंगे ज्योत जल रही है जो महर्षि अगस्त द्वारा जलाई गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, जिसमें कमंडल है, गिटार सितार है, और रुद्राक्ष की मालाएँ हैं, चिमटा है, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, ढपली हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर महर्षि अगस्त्य की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर आपको अगस्त्य मूर्ति, अगस्त्य जी के दर्शन होंगे यहाँ पर। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल धुनी के सामने, यहाँ पर भगवान कृष्ण को समर्पित ये मंदिर है। ये भगवान कृष्ण और राधा जी हैं। तो ये अगस्त्य आश्रम में आपको भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन होंगे। मैं मुख्य मंदिर में प्रवेश कर चुका हूं और अब मैं आपको बताता हूं आप यहां पे आएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ों के दर्शन होंगे। सबसे पहले आपको हनुमान जी के यहां पे दर्शन होते हैं। और हनुमान जी के बिल्कुल सामने आप यहां पे देखेंगे तो लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहां पर रामटेक में प्रभु श्री राम जी का मंदिर अलग है और लक्ष्मण जी का मंदिर अलग है। तो राम जी के दर्शन करने के पहले आपको लक्ष्मण जी के दर्शन करने पड़ते हैं। और यहां पर गणेश जी की बहुत प्राचीन समय से मूर्ति स्थापना की गई है। तो गणेश जी और हनुमान जी के बिल्कुल सामने आप ये जो मंदिर देखें, ये लक्ष्मण मंदिर है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है लक्ष्मण जी यहाँ पे पहरेदारी करते थे, इसके लिए उनका स्थान पहले है। तो ये यहाँ पर है, सामने मंदिर है, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। और जब आप लक्ष्मण जी के दर्शन कर लेंगे तो यहीं से आगे जाने का रास्ता है। और इस रास्ते से आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर रामटेक में जो प्रभु श्री राम का जो सबसे प्रमुख मंदिर है, उस मंदिर के दर्शन होंगे। ये यहाँ पर आप देखेंगे राम मंदिर है। तो ये यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर, लक्ष्मण जी के मंदिर के बिल्कुल पीछे यही यहाँ का रामटेक का किले के अंदर जो गढ़ मंदिर है, श्री रामचंद्र मंदिर, यही मंदिर है। यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम जी के साथ सीता जी की मूर्ति स्थापित है। मैं आपको ये दिखाता हूँ ये मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता। और यहाँ पर सामने ही गर्भगृह है जहाँ पर प्रभु श्री राम और सीता जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर और अनेक मंदिर हैं। यहाँ पर जैसे कौशल्या माता का मंदिर है ये। उसके आगे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है। और इससे आगे आप आएंगे तो ये शिव जी का मंदिर है। और ये यहाँ से आप देखिए ये पीछे से ये श्री राम जी का प्रमुख मंदिर यहाँ पर रामटेक में। और ये मंदिर के पास से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको रामटेक का पूरा व्यू दिखाई देगा। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये आप नीचे देखेंगे ये पूरा रामटेक गाँव है। और यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे जैन मंदिर है, हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं। और ये खिंडसी लेक है यहाँ पे, तो हम लेक के पास भी जाएंगे। यही खिंडसी लेक है, इसका नाम जो प्राचीन पौराणिक नाम सुर नदी था, और सुर नदी के किनारे ही प्रभु श्री राम आए थे और वहाँ पर ही अगस्त्य ऋषि का आश्रम था। तो यही सुर नदी का नाम अब यहाँ पर खिंडसी लेक के नाम से हो गया है। और यहाँ पर ये मंदिर है, मंदिर के पास में एक ये व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से आप ये मंदिर के बाहर के सारे दृश्यों को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है यहाँ पर रामटेक में प्रभु श्री राम का प्राचीन मंदिर। और अभी हमने दर्शन कर लिया और मैंने आपको यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण मंदिर और यहाँ के जो मंदिर हैं वो सारे दिखा दिए। अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और रामटेक के जो दूसरे यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थान और मंदिर और जो यहाँ पर देखने लायक जगह है वो मैं दिखाता हूँ आप।
दोस्तों जैसे आप मुख्य मंदिर से दर्शन करके फिर इस पार्किंग एरिया में आएंगे जहां से हम मंदिर में प्रवेश किए थे, तो यहां पर कुछ बहुत पुराने और पौराणिक मंदिर हैं। इनमें से एक बहुत ही प्रमुख मंदिर है नरसिंह भगवान का, जिसे अभी आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जो पुरातत्व विभाग है उनके पास है। तो ये मंदिर बिल्कुल आपको यहां पर मिलेगा। देखिए ये पार्किंग है, यहां पर वॉशरूम्स वगैरह बनाए गए हैं और यहां पे ये आप मंदिर देखेंगे। ये जो मंदिर के अंदर जो भगवान नरसिंह जी की जो मूर्ति है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये देखिए आप यहां पे आएंगे, बहुत प्राचीन है देख के ये पता चल रहा है। और यहां से आप ऐसे अंदर जाते हैं, यहां पे आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया है जहां पर बताया गया है ये जो मंदिर है ये पुरातत्व विभाग के अंदर है। यहां पर शिव जी की स्थापना है, यहां पे शिव जी हैं। यहां पे देखिए एक और मंदिर है और इस मंदिर के सामने यहां पे ये प्रमुख मंदिर है। तो मैं चलता हूं मंदिर के अंदर। मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मूर्ति और ये मंदिर है और इसके अंदर नरसिंह देव की मूर्ति है। ये देखिए बैठे हुए बहुत सुंदर ही नरसिंह देवता की यहाँ पे मूर्ति है और ये कितने वर्ष पुरानी है इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और यहाँ पर देखने में बहुत ही सुंदर मूर्ति लग रही है। और यहाँ नरसिंह देव के मंदिर के पास में ही जब आप नरसिंह देव जी का दर्शन कर लेंगे तो यहाँ पर महान कवि कालिदास जी को समर्पित एक स्मारक है। मैं अभी वो स्मारक में चलता हूँ, आपको वो स्मारक दिखाता हूँ। हमारे इस वनवास मार्ग की यात्रा में हम छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ी पर भी गए थे, जहाँ पर सीता बेंगरा जोगी मारा लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है। वहाँ सीता बेंगरा की गुफा में भी एक स्थान था जिसे ऐसा कहा जाता था कि कालिदास जी ने मेघदूत की रचना वहाँ गुफा में की थी। और यहाँ रामटेक में भी जब आप आएंगे तो यहाँ पे भी ऐसी मान्यता है कि कालिदास जी ने मेघदूत की रचना यहाँ पर इस रामटेक की पहाड़ी पर की थी। तो यहाँ पर भी स्मारक बनाया गया है। हो सकता है कालिदास जी ने मेघदूत की रचना जो है वो यात्राएं करते हुए की थी, इसके लिए कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि मेघदूत की रचना उन्होंने वहां पर की है। तो हो सकता है वो यहाँ पर भी आए होंगे और वहाँ छत्तीसगढ़ के सीता बेंगरा के गुफा पे भी गए थे। तो मैं आपको ये स्मारक दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो देखिए पहला ये व्यू पॉइंट बनाया गया है, ये पार्किंग एरिया है जहाँ पे से आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, वो वहाँ से रास्ता है और मुख्य मंदिर ऊपर है। और वहाँ से जब आप दर्शन करके फिर आते हैं तो यहाँ पर नीचे नरसिंह देव जी का मंदिर है और वहाँ से फिर आप यहाँ पर आते हैं। तो देखिए ये गार्डन यहाँ पे बनाया, ये व्यू पॉइंट बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वो स्मारक है, मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। अंदर कोई मंदिर नहीं है और ना ही वहाँ पर कालिदास जी की कोई मूर्ति है, बस उनके द्वारा की गई जो रचना है उन सारे रचनाओं को दिखाया गया है वहाँ पे। और उसके पास में ये देखिए ये गार्डन है, बहुत खूबसूरत यहाँ पे गार्डन है और ये व्यू पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर। यहाँ पे फाउंटेन्स और लाइटिंग्स भी होती है शाम के समय, तो और भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये रामटेक मंदिर के पास में ये एक जगह है जहाँ पर आप कुछ समय बैठकर अपना समय बिता सकते हैं। तो दोस्तों रामटेक के प्रमुख राम मंदिर और वहाँ के आसपास के सारे मंदिरों का दर्शन करके अब मैं ऊपर जो गढ़ किला है वहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर नीचे यहाँ के दूसरे प्रमुख स्थान पे आया हूँ। रामटेक जो है ये हिंदू धर्म के साथ साथ में जैन धर्म का भी एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ दिगंबर जैन का एक बहुत ही प्रमुख मंदिर है, मैं अभी इसी जैन मंदिर में हूँ। यहाँ पर दिगंबर जैन के गुरु शांतिनाथ जी का एक भव्य मंदिर है। जब यहाँ पर आप मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर मंदिर के अंदर भगवान शांतिनाथ जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर देखने मिलेगा, जो बिल्कुल अक्षरधाम स्वामीनारायण संप्रदाय का जैसा मंदिर होता है, एकदम भव्य बड़ा और सुंदर, बिल्कुल उसी तरह का ये मंदिर है। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो जैन धर्म के जो अनेक भगवान हैं उन सभी के यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, जैसे महावीर जी की मूर्ति है और भी यहाँ पर जो गुरु हैं उनकी मूर्ति है, लेकिन यहाँ जो प्रमुख मूर्ति है वो भगवान शांतिनाथ जी की है। यहाँ पर उनकी एक 13 फीट की एक ऊंची मूर्ति है जो एक बहुत सुंदर मंदिर के अंदर है। अगर आप रामटेक की यात्रा पे आ रहे हैं तो आप यहाँ जैन मंदिर पे भी आ सकते हैं, बहुत भव्य बहुत सुंदर मंदिर है। तो दोस्तों वहाँ जैन मंदिर में दर्शन करके अब हम रामटेक के और एक बहुत प्रमुख स्थान पे आ रहे हैं। ये जो स्थान है जहाँ अभी हम जा रहे हैं ये रामटेक के सबसे प्राचीन स्थानों में से एक है। यहाँ पर एक बहुत भव्य मंदिर है और ये बहुत पुराना मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये एक जंगल के अंदर है, थोड़ा मेन रोड पीछे है। मेन रोड पर आपको गाड़ी खड़ा करके थोड़ा एक 0.5 किलोमीटर तक अंदर घने जंगलों में जाना होगा और उसके बाद जब आप अंदर जंगल में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही सुंदर मंदिर देखने मिलेगा। तो अभी हम चल के उसी जंगल में आगे चल रहे हैं।
तो दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं यहां रामटेक के सबसे प्राचीन माने जाने वाले मंदिर पे या स्थान पे जिसे कर्पूर बावली कहा जाता है। इस मंदिर के पास में ये एक सरोवर है। ये जो सरोवर है इस सरोवर के बारे में कहते हैं कि इस सरोवर से कपूर की खुशबू आती है, इसलिए इस जगह का नाम, इस मंदिर का नाम कर्पूर बावली रखा गया है। ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में प्रभु श्री राम जी इसी जगह पे आए थे। यहीं पे अगस्त्य ऋषि का आश्रम था और यहाँ पे लगभग 2000 शिष्य थे जो शिक्षा लेते थे और यही जो स्थान था ये यहाँ रामटेक का सबसे प्रमुख स्थान था। लेकिन ऊपर जब किला बनने के बाद वो वहाँ पे प्रमुख मंदिर बन गया और ये जो स्थान है ये पुरातत्व विभाग जो ASI के अंडर में आ गया। यहाँ पे कोई पूजा वगैरह होती नहीं है। अगर आप मंदिर देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, पूरे पत्थर से बना हुआ ये मंदिर है और पूरे यहाँ पे पत्थर अभी भी लगे हुए हैं, काफी पत्थर टूट चुके हैं। यहाँ पर चक्रधर जी का मंदिर है और ये प्रमुख शिव जी का मंदिर था और यहाँ पे गणेश जी और अगस्त्य जी का मंदिर था। ऐसा कहा जाता है ये जो तालाब है, ये जो मंदिर है ये नीचे 8 मंजिला है। यहाँ जो पानी के नीचे ये और नीचे 8 मंजिला है। 2000 शिष्य जब यहाँ पर पढ़ते थे, शिक्षा लेते थे, तो यहाँ का पानी का इस्तेमाल हुआ करता था और ये पूरे 8 मंजिला नीचे तक पानी थी। लेकिन बाद में इस जगह का जब इस्तेमाल नहीं होने लगा, लोग यहाँ पे नहीं आने लगे, तो धीरे धीरे भरते हुए पानी ऊपर आ गया और जो पूरे जो 8 मंजिला है वो नीचे चले गए और आपको जो ये दिख रहा है ये ऊपर मंदिर का सबसे ऊपर का भाग है। तो ये जो जगह है रामटेक में बहुत प्रमुख जगह है। थोड़ा जंगल के अंदर आना पड़ता है। इसी पहाड़ में आप ये जो पीछे पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर किला जो भव्य मंदिर है और उसके नीचे बिल्कुल ये जो स्थान है। तो अभी यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो गई और यहाँ पर रुकने के लिए कुछ है ही नहीं, घना जंगल है। तो अब मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुकूंगा नहीं और मैं यहाँ से चलता हूँ और आपको रामटेक के दूसरे स्थान दिखाता हूँ। तो दोस्तों वहाँ कर्पूर बावली के बाद अभी मैं यहाँ पर रामटेक के और एक बहुत प्रमुख स्थान पे आया हूँ जिसका नाम है अम्बाला झील। ये जो झील है ये भी जो रामटेक का जो मंदिर है, जो प्रमुख मंदिर है, उसके नीचे है। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे पहाड़ के ऊपर किला है और किले पे श्री राम जी का मंदिर है और उसके नीचे यहाँ पर ये अम्बाला झील है। ये अम्बाला झील का भी बहुत पौराणिक मान्यता है। प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा में ये अम्बाला झील भी है और यहाँ झील के किनारे पे कई सारे प्राचीन तीर्थ और मंदिर है। जब से मैं अपने प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में यहाँ महाराष्ट्र में आया हूँ, हर वीडियो मैंने भीगते हुए बनाया है। हर जगह माहूरगढ़ में, उनकेश्वर में और अभी यहाँ रामटेक में भी बारिश में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ अम्बाला लेक पे आया हूँ। यहाँ पे बोटिंग्स होती है और यहाँ का व्यू आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए घाट बने, घाट के चारों तरफ मंदिर है, पीछे आप देखेंगे तो चारों तरफ घने जंगल है। इसके नीचे ये अम्बाला लेक के किनारों पे चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर पुराने और भव्य मंदिर है। यहाँ पे मंदिर है, वहां पे देखिए जंगल में थोड़ा ऊंचाई पे एक मंदिर है, वहां पे मंदिर है, वहां आगे भी मंदिर है, यहां पे भी एक मंदिर है और इस तरफ आप आगे पूरा चारों तरफ आप देखेंगे झील के चारों तरफ ही यहां पे बहुत प्राचीन मंदिर है। ये अम्बाला लेक में खास करके जो अस्थि विसर्जन और पितृपक्ष का जो कार्यक्रम होता है वो सारी चीजें यहां पर होता है। बहुत प्राचीन लेक है ये और यहां रामटेक में एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। रहने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे होम स्टे मिलेंगे। यहाँ पे काफी सस्ते में आपको 300, 400, 500 रुपए में आपको यहाँ अम्बाला लेक के पास रहने के लिए आपको होम स्टे मिल जाएंगे। इसके अलावा भी रामटेक में एक बहुत फेमस खिंडसी लेक, जिसका पुराना नाम सुर नदी था और वही सुर नदी आज यहाँ पे खिंडसी जलाशय के रूप में बहती है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा पिकनिक प्लेस है। वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बोटिंग्स वगैरह होते हैं, तो वो भी एक जगह रामटेक में बहुत प्रमुख है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन मौसम जो आज यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, जो बारिश हो रही है, हम वैसे भी पूरा भीग चुके हैं, तो मैं अभी खिंडसी लेक नहीं जा रहा हूँ और इस वीडियो को यहीं पे अम्बाला लेक में मैं एंड कर रहा हूँ। तो ये सारे यहाँ रामटेक के प्रमुख तीर्थ स्थान है। मेरे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में आज हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान के दर्शन कर लिए और इसके बाद अब हमारी ये यात्रा आगे बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के जितने भी स्थान है मैं सारे स्थानों पे जाऊंगा और आज के वीडियो जैसे ही आपको सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड डे, जय श्री राम।